बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो चलो व्यूअर, आज का मज़ेदार व्लॉग शुरू करते हैं। जी व्यूअर, आज मैं आपको दिखाऊंगा, पहले भी मैं इसका व्यू करवा चुका हूँ आपको, पूरा विज़िट करवाया, तब बाजरा और चावल की फसल जो है वो बिल्कुल छोटी थी। तो अभी बाजरा भी जो है वो पूरे अरूज पर है और चावल की फसल भी तकरीबन पकने वाली है, और बाजरा तो बिल्कुल 10 या 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना पक जाएगा। तो मैं इसका पूरा व्यू करवाता हूँ आपको, तो आप देखते रहिएगा, साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ आपको। चलो अभी देखते हैं, आप देख सकते हैं ये बाजरा के ऊपर इसका जो सिट्टा है वो पूरा बन गया, ठीक है। तो हमारे पंजाबी में इसको बोलते हैं, जो सिट्टा के ऊपर लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बूर, ठीक है। ये बूर के नीचे जितना भी ये बाजरा का दाना बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा पीछे करूँगा। जी जी, अहमद बेटा भी दिखा रहे हैं, ये देखे नीचे इसके पूरा जितना भी है ना, ये दाना बन गया बाजरा का। तो पहले मैं आपको जो फसल दिखाई थी वो बिल्कुल छोटी छोटी थी, तो उस टाइम में तो बिल्कुल ही बिल्कुल छोटी थी, इसलिए अभी आपको इसका पूरा व्यू करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये बड़ा होने के बाद कैसे होता है। क्योंकि जो तो हमारे गांव के आदमी, उनको तो वैसे ही पता है हर चीज़ का, तो जो बाहर मम्मी डैडी माहौल के आदमी हैं ना, उनको दिखाना ज़रूरी है। चलो उनको भी थोड़ी मालूमात होनी चाहिए। अभी आगे जा कर ना आपको चावल की फसल भी दिखाएंगे, और रास्ते में आप देख सकते हैं जितना भी है ये बाजरा है, ये बाजरा भी आप देख सकते हैं। पहले भी इसी रास्ते पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बच्चों के साथ, उस टाइम में ये बिल्कुल छोटा छोटा था, वो जो बाप की मिसाल, वो वीडियो भी देख सकते हैं आप, इसी रास्ते पर है। और आगे खड्डा पड़ा हुआ है बारिश की वजह से, वो पूरा टूटा हुआ है, ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। जी व्यूअर, आप देख सकते हैं मैं अभी सबसे ऊंची जगह पर खड़ा हूं, क्योंकि जितनी भी ज़मीन है इसके आगे वाला जो एरिया है वो डोन साइड पे है, वो सामने अहमद भी खड़ा है। और आप ये देख सकते हैं, ये कुछ बाजरा काट के जानवर के चारा के लिए ले गए हैं, क्योंकि साथ साथ में बाजरा अभी जितना भी है ना, ये जानवरों के चारे के लिए भी काम आता है, और जो बच जाएगा वो पक के उसका पूरा बीज निकाल के फिर वो खाने के लिए काम आएगा। इसी बाजरा के जो है ना बनता है टोडा, टोडा इसी बाजरा से बनता है, मक्की से भी बनता है और चावल का भी बनता है, लेकिन ये सबसे फेवरेट है बाजरा का। बाजरा के टोडा के साथ सरसों का साग और मक्खन और लस्सी, ये तीनों चीज़ें इसका जोड़ है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इस अभी इस टाइम में ये जो है ना जंगल की नुमा है, क्योंकि ये इतना घना हो जाता है जैसे अफ्रीका के जंगल हैं ना वैसे। तो आगे जा कर मैं आपको चावल की फसल भी दिखाऊंगा। जी व्यूअर, आप देख सकते हैं ये एक ज़मीन है, ये तकरीबन यहाँ से पूरा बाजरा काट के जानवरों को चारा डाल दिया, और अभी इसको दोबारा से हल के साथ फिर कच्चा कर दिए। दोस्तों ये मोटरसाइकिल लेके आए हैं नीचे और इसी तरफ से गुजर रहे हैं। मैंने पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाई है ना इस एरिया की, तो यहाँ पर जितना भी एरिया ना सैलाब की वजह से यहाँ पर जितना भी पानी खड़ा था, उस टाइम में ये वीडियो बनाई थी। और सामने एक ये देख सकते हैं आप, ये गधी है चारा काट के, और वो सामने एक पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं वाना, उसको काट के टोका वाली मशीन में काट के जानवरों को खिला देते हैं। तो ये जितना भी चारा उठा के लेके जाना होता है ये गधी ने लेके जाना है, पंजाबी में से खोती बोलते हैं। ट्रैक्टर हल चला रहा है ज़मीन पर, क्योंकि अभी जितनी भी ज़मीनें ना जहाँ पे गंदम की काश्त होगी तो उसमें अभी जितनी भी हल चल रही है। तो अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ चावल की फसल की तरफ, यह भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि इसको तकरीबन एक से डेढ़ माह जो है ना उसके बाद ये जो है ना पकना शुरू हो जाएगी।
जब ये भी बड़ी होगी, पकने के करीब होगी, बिल्कुल पक जाएगी, तो मैं इसकी भी वीडियो बना कर अपने व्यूवर को दिखाऊंगा। जी व्यूवर, आप देख सकते हैं ये कितना सरसब्ज और शादाब है। जी जी, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये देखें, पहले भी मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस टाइम में ये फसल बिल्कुल छोटी थी, तो अभी साथ साथ में अपडेट दे रहा हूँ आपको सारी। जी व्यूवर, मैंने अपने व्यूवर को जितनी भी है ये अपडेट देनी थी, क्योंकि अभी बाजरा की फसल भी पूरी जवान है और चावल की फसल जो है ना वो तकरीबन एक या डेढ़ माह लगेगा इसको। जब ये पूरी तैयार हो जाएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज ये वीडियो कैसी लगी है आपको? अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो अगर जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जी व्यूअर, अभी मैं आगे जाके आपको ना एक छोटे छोटे से तरबूज दिखाऊंगा। वो सेम उनकी शक्ल जो है ना तरबूज जैसी होती है, वो अहमद और इब्राहिम ने ना थोड़े इकट्ठे किए हुए हैं और कहते हैं अबू आ जाओ वहाँ पर जाके ना उसकी थोड़ी वीडियो बनानी है, तो मैं अपने व्यूअर को दिखाता हूँ। वो बिल्कुल शक्ल उनकी तरबूज जैसी है, लेकिन तरबूज नहीं है। व्यूअर आप देख सकते हैं, ये देख लें, बिल्कुल छोटे छोटे तरबूज हैं ये, लेकिन ये तरबूज नहीं है। इनका नाम है चिबड़, हमारे पंजाबी में इसको चिबड़ बोलते हैं। और इसकी शक्ल जितनी भी है ना वो हूब बिल्कुल सेम तरबूज की तरह आप देख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल डिज़ाइन भी वो है, शक्ल भी वही है, और इसमें जो भी लेंगे सेम तरबूज की तरह है, लेकिन ये तरबूज नहीं है। क्योंकि साथ में अहमद और इब्राहिम आए थे तो वो कहते हैं अबू ये देखो छोटे छोटे तरबूज हैं। मैंने बोला बेटा ये तरबूज नहीं है, इनको चिबड़ बोलते हैं, तो ये चिबड़ है। ये व्यूअर आप देख सकते हैं, ये जितने भी चिबड़ हैं ना ये सारे लेके जा रहे हैं इब्राहिम अपने साथ। ये बोलते हैं मैं अभी घर लेके जाऊँगा, इनके साथ खेलूँगा, तो उसने एक छापर में डाल लिए और लेके जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो जी व्यूअर, आज का व्लॉग कैसा लगा और आज की वीडियो का एंड यहाँ पे करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।